सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है सभी का माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस यार, आज वाले इस एपिसोड में ना हम लोग भाई बनाने वाले हैं स्लाइम ब्लॉक फार्म। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई ये बंदा स्लाइम ब्लॉक फार्म क्यों बना रहा है, तो गाइस वो मैं तुम लोग को अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम लोग को भाई आने वाले टाइम में अपने आप ही पता चल जाएगा। अब तुम लोग को पता है स्लाइम ब्लॉक से क्या क्या चीजें बनती है, तो वो सारी की सारी चीजें मेरे को बनानी, इसीलिए गाइस मैं स्लाइम ब्लॉक फार्म को बना रहा हूँ। एंड लास्ट वाले एपिसोड मैंने भाई एक वीट बायोम बनाई थी उस साइड में, अगर तुम लोग ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई तुम लोग जाकर देख सकते हो, तुम लोग को भाई चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। उस साइड मैंने बनाया था बहुत जायंट सा वीट फार्म। यहाँ पे तुम लोग को वीट दिख रही होगी, लगी हल्की फुल्की दिख रही होगी, मतलब येलो कलर की दिख तो रही होगी ना, दिख रही तो कमेंट करके मेरे को बताना। बाकी आज हम लोग बनाएंगे भाई एक जायंट सा जायंट सा स्लाइम ब्लॉक फार्म। एंड गाइस देखो, उसको बनाने के लिए हम लोग को पहले स्लाइम चंक्स, मतलब स्लाइम चंक्स की जो एक बायोम होती है ना, उसके लिए उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। बट मैं गाइस बिना फाइंड करे उसको बनाने वाला हूँ, मैं अंडरग्राउंड बनाऊंगा, क्योंकि यार देखो जो स्लाइम ब्लॉक है ना वो अंडरग्राउंड ही ज़्यादा स्पॉन होते हैं, वैसे जो उसकी बायोम होती है ना उसमें भी ज़्यादा स्पॉन होते हैं, बट मैं गाइस अंडरग्राउंड बना, क्योंकि बायोम मेरे को पता है नहीं। एंड गाइस मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं कि भाई मैं उस बायोम को ढूंढने जाऊँ, एंड मेरे घर से वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो, तो मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, मैं देखो मेरा जो घर है ना इसके मैं आसपास ही कहीं पर माइन कर दूंगा, मतलब जी नीचे जमीन में खोदते जो सेवंथ फेज होगा ना, सेवंथ फेज में गाइस हम लोग एक बड़ी सी जगह आज बनाएंगे। तो मेरे को गाइस पहले तो थोड़ा सा खाली हो भाई, बारिश सबसे पहले चालू हो जाती, कुछ होना हो भाई बारिश सबसे पहले चालू होना होता है, तो पहले गाइस चलकर सो जाता हूं, पता नहीं क्या हुआ गेम एकदम से लैग हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले गाइस हम लोग चलकर सो ही आते हैं यार, क्योंकि भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वरना भाई क्रीचर मॉब पता नहीं क्या क्या चीज स्पॉन हो जाएगी। ओके सो बारिश भी अब रुक जाएगी, तो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले गाइस एक और यहां पे पिकैक्स बना लेता हूं, या मैं एक काम करूं, मेरे को वैसे आयरन की जरूरत पड़ेगी, मेरे पे डायमंड भी ज्यादा बचे नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने पिकैक्स बना लेता, मेरे पे प्लैंक तो थे ना काफ़ी सारे, इस वाले के भी इसकी के मैं भाई यूज़ कर लेता हूँ, स्टिक्स मेरी बन चुकी है, एक मैं और पिकैक्स यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि भाई हम लोग इतना डिग डाउन करेंगे एंड उसके नीचे हम लोग एक बड़ा सा रूम बनाना पड़ेगा। तुम लोग को पता ही होगा तुम लोग ने स्लाइम ब्लॉक फार्म देखा है तो, ठीक है, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा रूम बनाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड अपने को आयरन भी चाहिए, चलो हम लोग माइन करेंगे ना, जब रूम जैसे बनाएंगे तो वहाँ पे शायद हम लोग को डायमंड, आयरन, गोल्ड अपने को सब कुछ मिल सकता है, रेडस्टोन भी शायद मिल जाएगा। एंड मेरे को 3-4 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि रेडस्टोन टॉर्चेस और रेडस्टोन रिपीटर कंपैटिबल जो भी नाम होता है उसका, मेरे से बोला नहीं जा रहा है जो भी नाम होता है उसको, अपन लोग को चाहिए होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना, पहले मेरे को डिग डाउन करना पड़ेगा, और मैं अपने घर से ना, मान लो ये मेरे घर है तो मैं इसके इस साइड में, या फिर एक काम करता हूँ, जो मैं नीदर पोर्टल है ना उस साइड से मैं नीचे डिग डाउन करते हुए चलता हूँ यार, क्योंकि भाई देखो डिग डाउन अपने को करना ही पड़ेगा, एकदम सातवें फेस तक जाने। अभी अपन लोग भाई कौन से फेस पे है, 64 पे, अपने को 7 फेस पे जाने, मतलब बहुत ज़्यादा अपने को डिग डाउन करना पड़ेगा। एंड मेरे को गाइस ये जो एक वो होता है ना F3+G दबाकर जो आता है बॉर्डर लाइन हम लोग को शो करती है अपने चंक्स की, 16x16 की होती शायद वो, ठीक है, तो उसी को मेरे को लगा कर, ओके उसी को मेरे को लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं अभी तो नहीं, जब आप लोग नीचे डिग डाउन करेंगे ना उसके बाद मेरे को लगाना है, मतलब बहुत तगड़ा वाला मेरे को गड्ढा करना पड़ेगा, तो मैं इसको अभी तो फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, जो भी अपने चंक बॉर्डर आता है। ओके तो ये रहा मेरा नीदर पोर्टल, और मैं यहाँ की साइड से डिग डाउन कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ से, अरे भाई इधर तो पानी है, मेरे को जिधर पानी ना हो यार, पानी की साइड अगर मैं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। एक काम करते हैं ना, कहते अपन लोग जो मेरा घर है ना उस साइड ही कर लेते हैं, क्योंकि उस साइड पानी का आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पर पानी, पीछे भी पानी है, तो मे भी हो सकता है उसके अंदर जब हम लोग डिग डाउन करें तो शायद पानी आ जाए, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं डूब के मर जाऊँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने घर के ना इस साइड में कर दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट यहीं पर रहेगा, एकदम घर के पास भी रहेगा, अंदर तो मैं नहीं करूँगा बट यहाँ पर अपन लोग कर लेंगे। फ्यूचर में कभी हम लोग सीक्रेट रूम या कुछ बनाना होगा तो कहते अपन लोग उसके अंदर भी बना सकते हैं यार। तो यहाँ पर क्या केज है, क्या यहाँ पे केज है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से गाइस मैं इसको डिग डाउन कर लेता हूँ, या एक काम करते हैं आप लोग यही से डिग डाउन कर लेते हैं, छोड़ो यार घर के एकदम बगल से, तो यहाँ से मैं अंदर अंदर को जाता हूँ पहले तो। एंड एक मिनट रुको, मैंने गाइस टॉर्चेस तो ली नहीं, मतलब टॉर्चेस गाइस मैंने बनाई नहीं यार, टॉर्चेस की तो अपने को बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी यार, बिना टॉर्चेस के तो वहाँ पे ज़ॉम्बी क्रीचर पता नहीं क्या क्या चीज़ स्पॉन हो जाएगी। तो पहले मैं देखता हूँ मेरे पे कोल है क्या, अगर कोल होगा तो गाइस मैं टॉर्चेस और भी बना लूँगा यहाँ पे। ओके तो ऑब्सीडियन तो मेरे पे काफ़ी सारा है, कोल नहीं है क्या मेरे पे, एक मिनट रुक जाओ, कोल मेरे पे इसमें पड़ा होगा, अब लो इसमें भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, मैं अभी तो फिलहाल यहीं से टॉर्चेस को निकाल लेता हूँ, बाद में मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो जो ये वाला रूम है ना मैं गाइस यहाँ से निकाल लेता हूँ, एंड यहाँ पे जाने के लिए मेरे को एक ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ। अबे ओके, अबे गलत वाला टूट गया, अबे लो आए तो हम लोग वहीं पर ही, अच्छा इस साइड आ रहा था मेरे को यार, रद्दा है, तो यहाँ से मैं टॉर्चेस को तोड़ लेता हूँ। ओके बाद में मेरे को अभी गाइस अपन लोग माइन करेंगे ना, तो गाइस अपने को कोल तो इतना भर भर के मिलेगा ना बहुत ही ज़्यादा, तो मैं स्टिक्स लेकर चले जाऊँगा, मैं उससे वो टॉर्चेस और वो सब बना लूँगा, मेरे को थोड़ी सी टॉर्चेस ही बस, इतनी टॉर्चेस काफ़ी, जिसको मैं रखने वाला हूँ अपने लेफ्ट हैंड में,
और गाइस ये देखो डायमंड भी लेके जा रहा हूँ यार मैं, हद है बिल्कुल। तो मैं यहीं से चल लेता हूँ। वाली चेस्ट अभी तक पड़ी, इसमें कुछ है क्या? मैं देख रहा हूँ तो क्या पता इसमें कोल पड़ा हो। एक मिनट रुको। ओके इसमें कोल, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें। अरे रेड स्टोन है तो सही, रेड स्टोन अपने पास काफ़ी सारा है। और इसमें ब्रेड्स भी पड़े, मैं ब्रेड ले लेता हूँ और भी। ओके और अपने पास कुछ नहीं, इसको अभी फिलहाल मैं इसी में रहने देता हूँ। मैं इनको लगा दो इधर, बस अब चलते गए उधर। एंड मैं अब स्टिक्स बनाकर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर कोल मिल जाए तो मैं वहीं पर टॉर्चेस लगा लूँगा। तो स्टिक्स मैंने बनाई भी थी बट मैं और बना लेता हूँ। यहाँ पे एक स्टैक पड़ा है, तो स्टिक्स मैं कितने की बना लूँ? मैं बना लेता हूँ 24 स्टिक्स आएगा, काफ़ी रहेंगे यार। इसको रख दो इधर, डायमंड्स को भी इधर रख दो, इसको इसकी मेरे को ज़रूरत है नहीं। 14 में पे ऑलरेडी है, तो 38 अपने पास स्टिक्स हो चुकी है जो कि इनफ रहेंगी यार। अब गाइस अपन लोग जाने वाले हैं भाई डिग डाउन करके नीचे, तो मैं उस साइड ही चलता हूँ जहाँ मैंने गड्ढा किया था यहाँ पर। तो यहाँ से अपन लोग भाई डिग डाउन करते हैं। ओके तो मेरे को गाइस सीधा 7 फेज पे जाना है यार, तो चलते भाई गाइस फटाफट से 7 फेज पे। ओके ओ तेरी लो पानी आ गया यहाँ से, अब मेरे को यहाँ पर भरना पड़ेगा। ओके चलो मैंने भर दिया। और ये देखो भाई आयरन अपने को मिल गया, आयरन की मेरे को काफ़ी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि वहाँ पे मेरे को आयरन गोलम भी स्पॉन करने पड़ेंगे यार। अगर मैं आयरन गोलम वहाँ पर नहीं छोड़ूंगा तो गाइस स्लाइम ब्लॉक जो है वो मरेंगे नहीं, एंड फिर वो अपने आप ही डी स्पॉन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो चेस्ट में आप लोग ऑटोमेटिक वाले बनाने वाले थे, चेस्ट में सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। ओके वैसे मैं आयरन गोलम भी वहाँ पर स्पॉन करूँगा यार। तो मेरे को यहाँ से आयरन मिल गया, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ बस। ब्लॉक्स की अपने को चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने को भाई डायरेक्टली उसके नीचे ही जाना है, बस नीचे लावा ना हो यार। अगर लावा निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी अपने को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मैं कोल ले लूँ, देखो कोल तो इतना सारा गाइस अपने को मिल गया ना, बहुत ही सारा। ये देखो लाइन से गाइस कोल ही कोल है यहाँ पे, बस काम हो गया। अपने टॉर्चेस अपनी काफ़ी सारी बन जाएगी, क्योंकि मेरे को उसके अंदर देखो टॉर्चेस को भी लगाना पड़ेगा, वरना फिर ज़ॉम्बी और क्रीपर ये सब वहाँ पर स्पॉन हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग भी वहाँ पर स्पॉन हो जाए, वरना भाई वो मेरा जो फार्म है ना उसको तहस नहस कर देंगे यार। इसलिए गाइस मैं वहाँ पर टॉर्चेस लगा दूंगा ताकि ज़ॉम्बी और क्रीपर स्पॉन ना हो यार। तो अपने को काफ़ी सारा मिल गया यार यहाँ से, ये देखो बहुत ही सारा गाइस अपने को मिल गया यहाँ पे। मैं इसकी टॉर्चेस बना लेता हूँ। लो भाई इतनी सारी टॉर्चेस बन गई ना, वैसे इतनी कम पड़ेंगी बट कोई दिक्कत नहीं, इतने में अपना काम हो जाएगा। तो मैं यहीं से डायरेक्टली चलता हूँ। बहुत सही, अपन लोग अभी 42 पे है, चलो सही है। बहुत सही बहुत सही। ओ तेरी गाइस ये देखो, ये मेरे को लग रहा है वही वाली केज है या फिर ये कोई दूसरी केज है, मतलब देख रहे हो भाई। अगर मैं हल्का से एक ब्लॉक उधर होता ना तो मौत थी, अपनी मौत थी पक्की वाली बिल्कुल। यहाँ से कुछ नीचे, ओके चलो सही नीचे जगह है। बहुत सही, यहाँ से मैं बस आयरन ले लेता हूँ यार, क्योंकि मेरे को आयरन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यार आयरन गोलम बनाने के लिए। इसको बंद कर दो भाई बंद ही कर दो इसको तो बस। ओके गाइस तो अपन लोग भाई 7 फेज में आ चुके हैं, एंड मेरे को यहाँ पर यार थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, बट मेरे को जगह एकदम ध्यान से देखकर बनानी है, वरना फिर यहाँ पे आयरन गोलम कह रहा हूँ लावा वगैरह ना आ जाए यार, क्योंकि आसपास मेरे लावा है। तो मेरे को यहाँ पे देखकर जगह बनानी पड़ेगी। ये लोकेशन ना बड़ी मतलब बेकार सी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे लावा भी है यार साइड पे। ठीक है पानी से तो चलो हम लोग पानी को बंद कर देंगे, बट लावा को हम लोग कैसे करेंगे? लावा तो ये ऊपर गिर गया तो खत्म है कहानी बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं बचकर काम वाम करूँगा। यहाँ पर इसको ले लो, बहुत सही बस। तो यही 7 फेज ही है ना, नहीं 8 हो गए, यहाँ पे है गई 7 फेज। तो इसको मैं यहाँ से गई, पहले तो देखो एक ना मेरे को रूम टाइप बनाना है काफ़ी बड़ा सा। ठीक है तो कहते पहले रूम टाइप बना लेता हूँ, मेरे को 4-4 का ऊपर वो रखना है गैप, ताकि एक आयरन गोलम की जगह बन जाए। आयरन गोलम की जितनी जगह होती है 4-4 का गैप। तो चलो अगर इतना काम मैं कर लेता हूँ यार, एक जगह बना लेता हूँ, उसके बाद देर में तुम लोग को दिखाता हूँ। क्योंकि यार इस जगह को बनाने में ना गाइस कसम से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, फार्म बनाने तो भाई टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं जगह बनाता हूँ, फिर गाइस मैं तुम लोग को आराम से मिलता हूँ भाई जगह वगैरह बनाने के बाद। ऑलराइट गाइस तो मैं अभी इसमें माइन कर ही रहा था, मेरी देखो एक पिकेक्स तो गाइस पूरी टूट चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है उसकी कहानी, क्योंकि मैंने भाई काफ़ी सारा एरिया यहाँ पर बना लिया है। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये वाला गाइस मैंने एरिया यहाँ पर बनाया, एंड मैं अब दूसरा एरिया बना रहा था, मतलब ये वाली अपनी एक 16x16 की एक चंक की मतलब एक चंक का एरिया है। ठीक है यहाँ पर स्लाइम ब्लॉक शायद स्पॉन हो सकते हैं, पता नहीं मेरे को स्पॉन होंगे नहीं होंगे, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो तभी स्पॉन होते हैं। तो मैं यहीं पर ही वैसे भी मंडरा रहा हूँ अभी तो। और यहाँ पर नीचे गोल्ड है, इसको मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। और बाकी उस साइड में था भाई डायमंड्स, तो मेरे को कहीं यही चीज़ बड़ी शॉकिंग सी लगी, भाई डायमंड मिल गया मेरे को यार। चलो सही है, मेरे को वैसे भी एक पिकेक्स बनानी पड़ेगी, मेरे पे क्राफ्टिंग टेबल नहीं, बट मेरे को शायद ऊपर एक बार और जाना पड़ेगा यार। ठीक है
ऊपर में गाइस एक बार और जाना पड़ेगा, वो रहे भाई डायमंड वहां पे, तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस पहले तो वहां से चल करना गाइस, डायमंड को तोड़ लेते हैं यार, क्योंकि भाई डायमंड अपने को सही है। चलो मिल गए डायमंड, मिल गए रेडस्टोन, मेरे को काफी सारा यहाँ पे मिल गया है, और भी काफी सारी चीज भाई मेरे को मिल सकती है यार, ठीक है यार। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरे को मिल सकती है यहाँ पर भी, क्योंकि एक तरीके से ये माइनिंग ही हुई है, ठीक है। बस हम लोग थोड़ा नीचे आ गए सेवंथ फेज पे, तो कहाँ गए भाई डायमंड, ये भाई डायमंड देखते कितना है, एक एक ही है क्या? ओके अबे यार एक ही है, मैंने सोचा दो चार होंगे यार, भाई ये तो बड़ा गलत सीन हो गया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, एक ही है तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं यार, मुझे लगा कि दो चार होंगे यार वहाँ पे। छोड़ो यार इसको यहाँ से बंद कर दो, ऊपर पता नहीं क्या केव है, ओ तेरी, अरे मुझे लगा कोई यार ऊपर का इस केव है एक बड़ी सी, तो मैं इसको बंद ही कर देना फिलहाल। ओके यहाँ से तो मेरे को तोड़ना ही है, तो गाइस चलो मैं इतना काम करता हूँ। वैसे मेरे को एक बार और ऊपर जाना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं यार, इसको भूख भूख तो लग नहीं रही है, वैसे भी खाना तो अपने पे इनफ है, और बाकी मेरे को इतना काम करना है, मतलब बहुत सारी यहाँ पे मेरे को वो बनानी है चंक्स वाली एरिया। चलो करते हैं गाइस काम, और बाकी डायमंड्स या कुछ मिलते तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाए, मैं तुम लोग को दिखा दूंगा। और मेरे को एक और पिकैक, एक नहीं मैं दो या तीन तीन पिकैक गाइस बना कर लेके आने वाला हूं ऊपर से। तो डायमंड गाइस मैंने इसीलिए बचा कर रखा था, तुम लोग वैसे कह रहे थे ना भाई तेरे पे डायमंड है, तूने भाई आर्मर क्यों नहीं बनाया, और तुम कब बनाओगे आर्मर? कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई तुम अपने टूल्स को इंचार्ट क्यों नहीं करते हो, तो मैं से कमेंट कर देते हैं पिछले वाले वीडियो में लोग कि भाई अपने टूल्स को इंचार्ट करो, आर्मर को इंचार्ट करो। तो गाइस यार अभी भाई सीजन अपना स्टार्ट हुआ यार, भाई अपने पे बुक्स तक तो है नहीं अभी, और अपन लोगों ने ट्रेनिंग हॉल भी नहीं बनाया, तो आर्मर को हम लोग इंचार्ट यार करें तो करें कैसे, और अपनी एक्सपी भी नहीं इतनी फिलहाल अभी, ठीक है। एक्सपी तो हम लोग जैसे करके बढ़ा लेंगे, बट अभी अपने पास जब बुक्स ही नहीं है तो गाइस हम लोग आर्मर को भाई इंचार्ट कैसे करें, आर्मर को और टूल्स को, ठीक है। तो यही सीन था, बाकी देखते हैं काला काला क्या आ रहा है, पता नहीं, देखो अजीब सा तुम लोग को भी दिख रहा होगा शायद, ये मैंने इसके ये क्या बोलते हैं इसे चंक ये लगा रखे, इस वजह से आ रहा है जो भी ये दिखाता है। तो चलो ये भी अच्छी चीज़ है यार, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। चलो गाइस जरा काम करते हैं, फिर गाइस मैं तुम लोग से मिलता हूँ ये सारा काम करने के बाद यार सीधा। और गाइस तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, और यहाँ पे स्लाइम बॉल भाई, ये स्लाइम चंक जो भी बोलते हैं भाई इनको, स्लाइम बॉल ब्लॉक या जो भी बोलते हैं, तो गाइस ये स्पॉन हो चुके हैं भाई। अरे भाई मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो यार, मर एक गया इसके और छोटे पीस हो जाएंगे। तो मेरे को गाइस लग रहा है कि ये जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड यहाँ से गाइस ये लोग आ रहे हैं, इसको पहले मैं मार दूँ यार, इतने छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होंगे, फिर ये लोग चलो एक एक दो दो में मर जाएंगे, ठीक है। अब इनके और छोटे पीस हो जाएंगे भाई, कसम से बड़ी दिक्कत है यार, इतने सारे बंदों को मेरे को मारना पड़ेगा यार। अब कितने सारे हो गए, ये एक एक में जाएंगे शायद, ये तो मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा गए, मर 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 तू भी मर तू भी मर, और सही तू भी मर तू भी मर, अरे भैया बहुत सही। ओके ओके मेरे को काफ़ी सारे भाई स्लाइम बॉक्स मिल चुके हैं, मतलब स्लाइम बॉल मेरे को मिल चुके हैं, मर जा, इनसे वैसे डैमेज ज़्यादा नहीं होता है। चलो सारे गए ना, ओके चलो गाइस सारे मर चुके, मेरे पे 21 स्लाइम बॉल्स हो गई यार, 21 मतलब समझ रहे हो। तो गाइस जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो ब्लॉक है 16x16 का, तो गाइस यहाँ से आ रहे हैं स्लाइम ब्लॉक्स, तो मैं इसको मार दो, बस मार दो इसको भी मार दो यार, ये लोग क्यों है भाई, मर जा। ओके चलो सही है, क्यों है क्या होने चाहिए भाई ये लोग। तो कहते तो ये वाला एरिया ना गाइस, यहाँ पर स्लाइम ब्लॉक्स बहुत सारे हैं स्पॉन हो रहे हैं, एंड मैं यहाँ कहीं से आया था, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है। तो घर तो मैं वापस चलूँगा नहीं, यहाँ कहीं से आया था मैं, यहाँ से आया था गाइस, मैं यहाँ से डिग करके, ठीक है। तो यहाँ से गाइस मेरे को यहाँ पे बनाने गए अपना स्लाइम ब्लॉक फार्म, जिससे यार बिल्कुल ऑटोमेटिक हो पाए, तो पहले गाइस मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। और गाइस देखो मेरे पे इतने सारे ब्लॉक्स हो गए थे ना, मैंने गाइस ऊपर चेस्ट में भी रख दिया, काफ़ी सारे तो मैंने भैया लावा में डाल दिया, यहाँ से भी काफ़ी सारा लावा आया था, इसलिए गाइस मैं वाटर बकेट भी एक अपने साथ में लेकर आ गया था, ठीक है, ताकि मैं लावा को बंद कर सकूँ। तो गाइस चलते पहले तो ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ यहीं कहीं से मैं आया था, मैंने काफ़ी सारी टॉर्च यहाँ पे लगा रखी है। तो पहले गाइस चलते हैं ऊपर की साइड, यहीं से मैं जाने वाला हूँ ऊपर, क्योंकि भाई अपने को जाना तो है ना ऊपर। मेरे को गाइस क्राफ्टिंग टेबल एक लेकर आना है बनाकर, और बाकी मेरे को एक चेस्ट भी मैं लेकर, एक नहीं दो तीन चेस्ट मेरे को लेने, और थोड़ा बहुत सामान लेके आ रहा है मेरे को बनाने के लिए इसको, ठीक है। रेडस्टोन रिपीटर और रेडस्टोन कंपैटिबिलिटर ऐसा कुछ होता है उसका नाम, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, तो वो सब मेरे को गाइस बनाकर लाना है। तो चलते हैं गाइस ऊपर की साइड, मैं बनाकर लाता हूँ जल्दी से, तुम लोग को भी दिखा दो क्या क्या चीज़ अपने को ज़रूरत है। तो पहले चलते हैं गाइस ऊपर की साइड। ऑलराइट गाइस, तो मतलब ऊपर की साइड ऑलमोस्ट पहुँच, ओके पहुँच गए बहुत सही भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया ये तो। ओके यहाँ पर, ओहो अरे मैं घुसा कहाँ से था और मैं निकला कहाँ से, नहीं यहीं से घुसा था मैं, यहीं से घुसा था हाँ, अरे नहीं 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 यहाँ से घुसा था गाइस मैं, भाई साहब देख रहे हो क्या लंबी सुरंग बनी हुई, तो यहाँ से मैंने कट मार लेगा, तो मैं काम हो तो यहाँ पे इसको बंदी कर दे रहा हूँ। वहीं से गाइस अपन लोग जाएंगे यार, अब सीधा डिग डाउन करके सीधा अपन लोग उसी लोकेशन पर पहुँचेंगे। तो मैं इसको पहले तो बंद कर दूँ यार, ये जो लगा हुआ है ना, ओके चलो इसको मैंने गाइस जो बॉर्डर आ रहा था उसको मैंने भाई डिसेबल कर दिया, अभी हिडन कर दिया, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ रहा है चंक बॉर्डर डिसेबल्ड। अरे मेरा गेम, ओ तेरी, अरे 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 भाई घर के अंदर क्रीपर, भाई साहब अच्छा बेटा आजा आजा आजा
भाई फटना मत प्लीज़ इधर आजा। एंड गाइस मेरा गेम लैग हो रहा है, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जगह बना ली, शायद इस वजह से हो रहा होगा, मेरे को नहीं पता यार ऐसा क्यों हो रहा है। ओके तुम लोग पता लैग फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट मेरे को तो गाइस लैग फील हो रहा है थोड़ा बहुत, इसीलिए भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर तुम लोग को भी लैग फील हो रहा है तो अभी मैं कुछ करता हूँ उसका। पहले तो यार यहाँ टॉर्च ही लगा दो यार भाई, मेरे पे बहुत सारी टॉर्चेज है, मैं इसको लगा देता हूँ यार यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्रीपर स्पॉन होके बताओ यार, हद्दा यार तो भाई दिक्कत होने वाली है अपने को। ओके तो अब मैं गाइस बना लेता हूँ यहाँ पे रेडस्टोन रिपीटर। तो उसके लिए बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेडस्टोन एक मेरे को ये बनाना है, कंपैरेटर होता है कंपैरेटर। तो स्टोन मेरे को चाहिए, स्टोन के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। स्टोन मेरे पे वैसा तो है नहीं, कोल है वैसे मेरे पे काफ़ी सारा, मैं कोल यहाँ पे रख देता हूँ, कोल मेरे पे और भी था। ओके तो इसको मैं बाकी ना देखो एक चेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, कहीं पे प्लैंक्स मैंने रखे थे काफ़ी सारे, इसको ले लो इधर। बाकी मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ यार, ठीक है एक, अरे इतनी ज़्यादा भी नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा छः यहाँ पे चेस्ट बना ली है, एंड मैं इसको फ्लावर को भी फेंक देता हूँ फिलहाल के लिए। बाकी इसको डाल दो इसके अंदर, इनको इसमें तो जगह ही नहीं, इसमें जितने कॉबल स्टोन आ रहे उतने मैं डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ ना गाइस, मैं कॉबल स्टोन के लिए ना एक अलग से वो बना देता हूँ, एक मिनट रुको, ये यहाँ पे मैं ना यहीं पर ही रख देता हूँ, दो चेस्ट पर यहाँ पर लगा देता हूँ, कॉबल स्टोन डालता हूँ उसमें सारी की सारी जितने भी मेरे पास है यहाँ पर, जितने भी है ना, मतलब बहुत सारे मेरे पे कॉबल स्टोन था, आधा तो मैंने भी लावा के अंदर डाल दिया क्योंकि भाई इतना सारा कॉबल स्टोन हो गया था भाई, अपनी इन्वेंट्री में ही नहीं आ रहा था, तो लावा वहाँ से आया तो भाई उसको मैंने उसके अंदर ही डाल दिया। इसको रख दो यहाँ पे, इसको भी और इसको भी। बाकी मेरे पे गोल्ड मेरे को मिला, एंड गाइस डायमंड मैंने तो लोगों को दिखा नहीं, 13 अपने को वहाँ से डायमंड्स मिले, मतलब मैं जब डिग डाउन कर रहा था खोद रहा था वहाँ पे, तो मेरे को माइनिंग में डायमंड मिल गए, तो मेरे पे टोटल अभी 23 डायमंड्स और हो चुके हैं रेडस्टोन। तुम लोग को पता ही काफ़ी सारा गाइस मिल जाता है वैसे ही। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे हो गए होंगे ना स्टोन, चलो 7 हो गए, तो मैं एक रेडस्टोन वो बना लेता हूँ रेड। उसके लिए मेरे को गाइस वो भी चाहिए होगी शायद क्वार्ट ब्लॉक, तो एक मेरे पे पड़ा है, एक से आई गेस काम चल जाएगा। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, एक से शायद नहीं चलेगा काम। अच्छा रेडस्टोन टॉर्चेस भी तो चाहिए अपने को, तो नॉर्मल वो तो नॉर्मल टॉर्चेस से ही बन जाता है। इसको शायद एक मिनट, स्टिक्स चाहिए होती ना, इसको इधर रखो और इसको इधर। ओके तो 6 मेरे पे बन चुकी है, अब गाइस अपना रेडस्टोन कंपैरेटर बन जाएगा। एक मेरे को चाहिए, ओके तो रिपीटर बन गया, मेरे को कंपैरेटर चाहिए भाई, रिपीटर की भी ज़रूरत थी मेरे को, 1 2 3। ओके ये रहा, तो गाइस ये अब देखो 2 की ज़रूरत है, तो गाइस मैंने इसको बना लिया है। बाकी यहाँ पे स्टोन हो रहा है, इसको होने देते हैं ठीक है, और बाकी मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है बस इतना ही गाइस, अपने को ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे को ग्लासेस चाहिए, ग्लासेस चलो मैं यहीं पर रख देता हूँ, सैंड मेरे पे यहाँ कहीं पड़ी थी यार सैंड भी। ओके ग्लासेस मेरे को चलो एक स्टैक यहीं पर ही मिल गया, बहुत सी सैंड यहाँ पे, सैंड को चलो छोड़ो अपने को, इतने ग्लासेस हो जाएगा 6, एक स्टैक अपने पास है। तो बस गाइस अपने को इतने ही सामान की ज़रूरत है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई और तरीके से बनाऊँ, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे को स्लैब की भी वैसे ज़रूरत है, मेरे को कॉबल स्टोन की नॉर्मल ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं कॉबल स्टोन लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी इन्वेंट्री ना भी पूरी खाली कर देता हूँ, क्योंकि यार देखो मैं सोच रहा हूँ कि कोई और स्टाइल से बनाया जाए। तो एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपनी इन्वेंट्री थोड़ी सी खाली कर देता हूँ, और मैं बाकी ना देखो ये जो आयरन है ना, आयरन को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये हो गया ना सारा का सारा, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, कहाँ गया आयरन, ताकि अब मेरे पे आयरन इंगेट हो जाए। इसको मैंने क्यों ले लिया, आयरन इंगेट, हाँ आयरन इंगेट, फिर मेरे को आयरन ब्लॉक्स बने, क्योंकि मेरे को एक आयरन गोलम की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं विलेज से तो भाई इसको पकड़ कर लेके जाने वाला हूँ नहीं ठीक है। तो बाकी मेरे को थोड़ा सा यार अभी वहाँ पर और काम करना है, मतलब मैं थोड़े अलग स्टाइल से बनाने वाला हूँ ठीक है। पहले आप लोग चलते उधर ही, मैं थोड़ी चलकर समझाता हूँ कि मैं मेरे को आखिर बनाना तो बनाना कैसे, मतलब थोड़ा सा अलग स्टाइल से बना रहा हूँ, ये वाला वैसे वर्क कर जाएगा क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लिया था, यहीं से आया था ना, हाँ यहीं से कहते अपने को जाना है। टॉर्चेस वगैरह तो अपने पास कुछ, ओ तेरी अबे कहाँ गिर गया मैं, अरे भाई मैं गलत लोकेशन से आ गया, एक मिनट को मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा भाई, अभी मौत होते होते बच गए हम लोग। मैं दूसरी लोकेशन से आ गया, मेरे को आगे से थोड़ी पीछे से जाना है मेरे को थोड़ा सा, तो मैं ऊपर चलता हूँ पहले तो यार जल्दी से, मतलब देख रहे हो भाई इतनी ऊपर से गिरे ना अभी हम लोग अपनी मौत हो जाती है, तो मेरे को यहाँ से जाना है, यहाँ से गए थे अपन लोग चलते हैं अंदर की साइड। ओके बहुत सही, तो यहाँ से मेरे को पूरा नीचे की साइड जाना है, तो चलते गए फटाफट से नीचे जल्दी जल्दी से। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को स्लाइम ब्लॉक की आवाज़ आ रही, स्लाइम जो भी होता है वो तेरी होती नीचे गिर गया अपन लोग। ओके तो ओ तेरी यहाँ पे गए इतने सारे स्पॉन भी हो गए यार, तो मेरे को गाइस क्या करना है, इनको पहले मैं मार ही देता हूँ, चलो छोड़ो ये छोड़ो इनको नहीं मारते अपन लोग, ओके इनके बच्चे भी हो जाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ से ना सीधा ऊपर की साइड जाता हूँ। ओके अबे बे 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 इनको रुको मैं मार ही देता हूँ पहले, ये तो मेरे को बहुत परेशान करते रहेंगे, ये छोटे छोटे जब हो जाते हैं तो एक एक बार में ही इनकी मौत हो जाती है। ओके गए, ये भी गया, ये निकल 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 तू भी निकल। ओके तो मेरे पे गए स्लाइम बॉल्स भी काफ़ी सारी होगी, 6-6 वैसे मेरा पता है इतने से काम चल जाएगा, बट मैं पूरा फार्म ही बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले इसको तोड़ लो, और मेरे को गए ऊपर की साइड जाना है पहले तो। ओके तो यहाँ से मेरे को देखो 4 का हो गया, अब मेरे को एक ब्लॉक छोड़ करना यहाँ से,
यहाँ से गाइस मेरे को एक और यहाँ पे गड्ढा करना है, और मेरे को इस 3x3 का ना मतलब 3 ऊपर और बाकी मेरे को 16, एक जो मेरी वो होती है ना जो 16 का वो होता है उसमें गाइस मेरे को इसके ऊपर भी मेरे को भी 4 फ्लोर बनाने हैं, ठीक है, चार फ्लोर मेरे को और बनाने हैं ताकि एकदम बढ़िया सा बन पाए। तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है करने की। तो पहले गाइस मैं इतना काम कर लूँ, मतलब 4 फ्लोर बना लूँ, मेरे को बहुत गंदी आवाज़ आ रही नीचे है इसकी, ठीक है, तो मैं 4 फ्लोर बना लूँ, तो उसके बाद गाइस मैं तुम लोग को मिलता हूँ आराम से, ठीक है। 4 फ्लोर बनाने के बाद कि इसमें भी गाइस काफ़ी ज़्यादा यार टाइम लगने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे भाई पूरे फ्लोर टाइप मैंने बना दिए, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। भाई मेरे को ना एक बार और ऊपर जाना पड़ा था, मेरे को देखो लैडर बनाकर लानी थी। एंड गाइस मेरे को ना ये जो पिकैक्स है ना इसको भी मेरे को बनाकर लाना पड़ा, क्योंकि भाई पिकैक्स मेरी वाली ऑलमोस्ट तुम लोग, अरे भाई ऊपर ही है मेरे भाई, ये लोग ऊपर भी स्पॉन हो गए, वाह भाई अच्छा वाले फ्लोर में नहीं हुए। ओके यहाँ पर भी कोई नहीं है, ओ भाई तेरी भगलो यहाँ से भगलो पहले। तो गाइस देखो ये वाला काम तो अपना हो चुका है, तो मेरे को ऊपर की साइड पहले तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भाई एक आयरन गोलम भी बनाना है। तो मेरे को गाइस पंपकिन लेकर आने पड़ेंगे, पंपकिन शायद विलेजर के वहाँ पे उन्हें शायद कुआ कर रखे थे, तो वहाँ पर से मैं लेकर आ जाऊँगा। मैंने देखे थे वहाँ पे पंपकिन रखे हुए, तो वहीं से मैं गाइस लेकर आ जाता हूँ। एंड क्या हो रहा है, चल ले भाई ऊपर। ओके रात हो रही है ऊपर, ओके रात ही हो रही है यार, तो मेरे को जल्दी से जाकर पहले तो भाई सोना पड़ेगा यार चल के पहले, तो जल्दी से जाकर सोते हैं। एंड सुबह गाइस मैं तुम लोग से मिलता हूँ आराम से यार, क्योंकि भाई अभी मतलब ऑलमोस्ट अपना काम हो ही गया, बस मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें और करनी है, ठीक है। मेरे को भी एक दो तीन चीज़ें और बनानी है। रेडस्टोन की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई मैं इसको होगा वो ऑटोमेटिक, बट रेडस्टोन की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, ठीक है। तो अपन लोग बस पहुँच ही गए। और रेट कहते हैं तो सुबह हो चुकी है, एंड अगर अब अपन लोग चलते हैं एक बार विलेजर की साइड। एंड ये मकड़ी निकल निकल निकल, तो इससे मेरे को स्पाइडर, चलो अपनी तो भाई इन्वेंट्री पूरी फुल। और देख लो भाई कॉबल स्टोन, देखो भाई मेरे पे तुम कितना सारा कॉबल स्टोन है। एंड मेरे पे ये जो स्लाइम बॉल है ये भी काफ़ी सारी हो चुकी है, क्योंकि भाई ऊपर भी स्पॉन हो गए थे, मेरे को उनको मारना पड़ा, क्योंकि भाई अगर मेरे को नहीं मारता तो वो लोग मेरे को मार देते। तो अपन लोग भाई उस साइड चलते हैं, उस साइड बस यार वहाँ पर उन लोगों ने निकाल के ना रख लिया, बस निकाल के अपनी चेस्ट में ही रखा होगा। चेस्ट में अगर रख लेगा तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे तो चेस्ट नहीं है, तो ये तो एक फार्म है। यहाँ पर तो इन लोगों ने भाई वाटरमेलन को लगा रखा है, यहाँ पे एक फार्म और था नीचे की साइड, एक बार यहाँ पे मैं चेकआउट कर लेता हूँ इनकी चेस्ट में, चेस्ट अगर होती है यहाँ पर तो। ओके यहाँ पे तो कोई भी चेस्ट नहीं है, इसको कर दो बंद भाई। कहाँ पर है यार, एक मैं नीचे की साइड चलता हूँ, यहाँ पे भी एक फार्म दिख रहा है। ओके चलो मेरे को मिल गया, बहुत सही। इसको मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ, एंड मेरा, अरे यार मेरी एक्स पता नहीं कहाँ चली गई, इसी से मैं तोड़ लेता हूँ फिलहाल पिकैक्स से। एक ही से वैसे अपना काम चल जाएगा, मैं इसको फेंक देता हूँ यहाँ से, बहुत सही। तो गाइस एक ही से मेरा काम चले, क्योंकि मेरे को भाई एक ही आयरन गोलम की ज़रूरत है यार, तो मैं इस ऊपर चलता हूँ वापस से। एंड मेरे को गाइस एक शीर भी बनाना पड़ेगा, शीर तो चलो नॉर्मली बन जाएगा आयरन से, तो आयरन मैंने वहाँ पे रख दिया था बहुत सारा मेरे पे भाई आयरन, एक स्टैक तो मैंने वहाँ पे रख दिया था, मेरे पे एक स्टैक से भी ज़्यादा था। तो खाना खा लो पहले, उसके बाद चल के शीर बनाते हैं इसको, क्योंकि मुझे केव्ड पंपकिन बनाना पड़ेगा। एंड आयरन ब्लॉक भी मेरे को चाहिए होंगे, मेरे को 4 आयरन ब्लॉक चाहिए आयरन गोलम बनाने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं। एंड गाइस के मेरे को दरवाजे भी लगा रहे हैं, मैंने दरवाजे अभी तक नहीं लगाए यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, दरवाजे अपन लोग बाद में लगा लेंगे, अच्छे वाले मस्त वाले मैं दरवाजे लगाऊंगा इसमें। ओके तो यहाँ पे आयरन मैं पहले काम करता हूँ, चेस्ट में पहले भाई सामान रख दो सारा जितना भी है ना, कॉबल स्टोन पूरा मैंने इकट्ठा करके रखा, मतलब इतना सारा गाइस अपने पास कॉबल स्टोन हो गया ना, मतलब अनलिमिटेड ही हो गया समझो ऐसा, क्योंकि जो इतनी लंबी मैंने खुदाई करी यहाँ पे, तो भाई हो ही गया अपना। तो यहाँ पे 64 एक्स्ट्रा हो चुका है, तो मेरे को गाइस आयरन ब्लॉक बनाने पहले, तो 1 2 3 4 मेरे को आयरन ब्लॉक चाहिए, 5 एक एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, और बाकी मेरे को एक शीर बनाना है, इसको रख लो इधर, ठीक है। ओके तो मैं इसको इधर रख देता हूँ, कहाँ गया इसको, इनको भी गाइस मैं चेस्ट में रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इसमें स्पेस है नहीं है, स्पेस नहीं है इसमें है। ओके इसमें स्पेस है, तो केवट पंपकिन को रख लो इधर, और बाकी मैं इसको छिल लेता हूँ इधर ही से, बस ओके हो गया अपना काम। इससे मेरे को सीड्स भी मिल गई, सीड को भी मैं इधर रख देता हूँ, बाकी आयरन को रख दो भाई, इसमें सारा आयरन खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, बाकी चार मेरे पे चेस्ट है, 4 से 4 इनफ होगी, 4 से अपना काम चल जाएगा। बाकी मैं एक एक्स बना लेता हूँ, मैं डायमंड की बना लेता हूँ, चलो यार को एक एक्स मेरे पे यहाँ पे पड़ी, अभी फिलहाल मैं इसी को यूज़ कर ले रहा हूँ, बाकी इसकी मेरे को भी ज़रूरत है नहीं। तो गाइस अब अपन लोग चलते हैं उस साइड में, बट उससे पहले गाइस मेरे को मैग्मा ब्लॉक्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, मैग्मा ब्लॉक्स चाहिए, जिसके लिए मेरे को वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैग्मा ब्लॉक करने के लिए एक मिनट को, एक वो होता है शायद एल से कुछ नाम, तो चलो छोड़ो गाइस, मैं ना मेरे को मैग्मा ब्लॉक्स चाहिए, तो गाइस मैं काम करता पहले नेदर में चलते, तो मेरे पे इसका तो है ना कुछ। ओके मेरे पे ये है, खाना भी मेरे पे है, मैग्मा भी गाइस अपने को आराम से मिल जाएगा, जो मैं जहाँ पर मेरा नेदर पोर्टल बना उसके आसपास ही कहीं पर मैग्मा ब्लॉक है, और मैग्मा ब्लॉक नॉर्मल भाई मिल भी जाता है। तो फटाफट से चलते हम लोग गाइस नेदर के अंदर, एंड मैग्मा ब्लॉक को लेकर आते हैं, क्योंकि देखो सीन कुछ ऐसा हो जाएगा ना, मैं मैग्मा ब्लॉक लगा दूंगा नीचे, जिससे कि वो लोग अगर आते हैं वहाँ पे एकदम, मतलब वो लोग उसी के अंदर रहेंगे, तो मैग्मा ब्लॉक से वो लोग जल जल कर ही मर जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो इसीलिए गाइस में मैग्मा ब्लॉक की मेरे को ज़रूरत है, तो चलते गाइस अपन लोग अंदर की साइड जल्दी से, एंड मैग्मा ब्लॉक लेकर आते हैं यार।
ओके मैं आ पहुंच चुका हूं अभी अंदर एंड एंडरमैन की आंखों मेरे को नहीं देखना है, अभी मैं उसकी आंखों में ही झांकने वाला था एंड एकदम से गेम लैग होता है तो मेरे को जाने का उस साइड में, क्योंकि उस साइड गाइस मेरे को मैगमा ब्लॉक मिलने वाले हैं। चल चलते फटाफट से उस साइड में एंड मैगमा ब्लॉक लेकर आते हैं। ऑलराइट गाइस तो मैं मैगमा ब्लॉक लेकर आ चुका हूँ एंड गाइस मेरे को वहाँ पे घेस्ट दिख रहा है यहाँ पे 23 मैगमा ब्लॉक से, जो कि इनफ है भाई 23 में अपने काम आराम से लगे। वैसे वहाँ पे और भी थे बट मैं जितने मेरे को अपने हिसाब से लगे मैं उतने लेकर आ गया 23। बाकी अब अपने को अगर और जरूरत होगी तो मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा। एंड आप लोग गाइस अभी एडवेंचर पर भी जाने वाले, तो अगर आप लोग चाहते हो मैं एडवेंचर पर जाऊँ भाई नेदर के अंदर तो मेरे को आप लोग कमेंट कर बताना हो तेरी भाई। भाई बच गए अपन लोग, बच गए, जल्दी से निकल लो घर पे सीधा भाई, अभी मेरे मुँह पे फेंक देता वो। ओके ओके अपन लोग बाहर आ चुके हैं, बच्चे से पिगलिन ना आए। एंड गाइस यहाँ पे पिगलिन भी पता है बाहर आ रहे थे यार, मैं वो तो मैंने उनको मार दिया सही टाइम पे, वरना बहुत सारे आ गए थे यहाँ से निकल के। ओके तो अपन लोग चलते हैं हम नीचे की साइड एंड नीचे चलकर भाई मैग्मा ब्लॉक लगाते हैं। एंड मेरे को फेंस भी बनानी पड़ेगी, फेंस को भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। फेंस तो भाई नॉर्मली बन जाते हैं ठीक है, फेंस और ग्लासेस भी मेरे को लेने में, सारा सामान अब लेकर ही जाने वाले हैं यहाँ से, तो फेंस को भी गाइस अपन लोग बना लेते हैं जल्दी से यार। तो मेरे पे स्टिक्स तो पड़ी होंगी, प्लैंक ये रहे और स्टिक भी मेरे पे काफ़ी सारी थी यार, पता नहीं कहाँ। ओके मेरे पे 25 फेंस ऑलरेडी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ पहले स्टिक बना लेते हैं। तो मेरे पे स्टिक यार पड़ी तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई यार, यहाँ पे तो छह ही है खाली स्टिक। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टिक यहाँ पर बना लेता हूँ। ओके तो मैं चार ही बनेंगी क्या, अब और बन जाएंगी ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। बाकी मैं फेंस को यहाँ पर बना लेता हूँ, तो ये वाले फैंस ही अपन लोग बनाते जितने बनते हैं, 9 ही हो गए इतने से मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। ये हो गए और मेरे को एक ग्लास ले जाना है यहाँ से, तो ग्लास किस साइड है भाई, 4 यहाँ पे है और एक स्टैक क्लियर को लेकर जाना है, पूरा एक स्टैक ये रहा भाई ग्लास ठीक है। इतना अपना हो गया, बाकी मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स यहाँ पे लेकर चलता हूँ, इधर रैक भी मेरे पे इतने ब्लॉक से मेरा काम चल जाएगा, तो बस इतने ब्लॉक से मेरे काम चलेगा। तो गाइस अब चलते हैं अपन लोग नीचे की साइड एंड आयरन गोलम तो मैंने ले लिया था ना, हाँ बस बहुत सही। और मेरे पे टॉर्चेस काफ़ी सारी हैं भाई, 45 की 45 मैंने और भी बना ली थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे को भाई काफ़ी सारे कोल भी मिल गए थे। तो अब चलते हैं नीचे एंड नीचे चलकर भाई काम वगैरह करते हैं। और ऑलराइट गाइस अपन लोग नीचे आ चुके हैं, अब चलना है अपने को फिर से ऊपर की साइड, जो सबसे टॉप का फ्लोर है ना, टॉप फ्लोर है जो, तो पहले गाइस मैं वहाँ पर चलता हूँ क्योंकि वहाँ पर गाइस अपने को आयरन गोलम को स्पॉन करना है। तो यहाँ पे वो जो थे चलो अच्छा है, डिस्पॉन हो गए अपने आप ही, बाकी अभी बहुत सारे स्पॉन होंगे। तो मैं यहाँ पे ना पहले तो थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, अबे यहाँ पे गाइस खेव है पूरी, तो मैं पहले तो यहाँ पे इसको कॉबल स्टोन को यहाँ पे लगाता हूँ। पहले मेरे को ना आयरन गोलम के लिए जगह बनानी पड़ेगी यार, इसको मैं तोड़ देता हूँ यहाँ से, बहुत सही ठीक है। आयरन गोलम के लिए मेरे को यहाँ पे जगह बनानी, इतनी जगह आई गेस उसके लिए काफ़ी है यार, बहुत है भाई उसके लिए इतनी जगह। यहाँ पे मैं दो दो ब्लॉक और लगा देता हूँ बस, तो यहाँ से मैं छोटी सी खिड़की टाइप बना देता हूँ। बाकी मेरे को इसको यहाँ पे लगाना है, एक मेरे को रूम टाइप बना देना है उसके लिए, इतने में आई गेस नहीं इतने में नहीं, उसको थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ओके बहुत सही, इसको रख दो इधर ऐसे करके, बहुत सही। तो मैंने गाइस इतना काम यहाँ पे कर लिया, मैं इसको तोड़ो पहले और बाकी आयरन ब्लॉक को रख लो भाई इधर ठीक है। मेरे को यहाँ पे और गड्ढे करने पड़े क्योंकि भाई आयरन गोलम को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इनको, बहुत सही, बस इतना से अपना आई गेस हो जाएगा। हाँ इतने में वो स्पॉन हो जाएगा यार, एक इधर रखो एक इधर एक इधर। एंड मेरे को ये हटाने पड़ेंगे पहले, तो ऊपर भी हटाओ, बहुत सही इसको हटा लो। और मेरे को उधर की साइड से भाई बंद करना है क्योंकि आयरन गोलम वरना फिट नहीं आएगा इसमें, और वो भाई इसमें अटक कर ही मर जाएगा, नहीं तो मेरे को दोबारा से भाई आयरन चाहिए होगा ठीक है। एक को लगा लो इधर और बाकी जो केव्ड पंकिन है उसको मैं रख लेता हूँ इधर। बाकी मैं यहाँ पर ना अभी तो फिलहाल मैं फेंस लगा देता हूँ क्योंकि ताकि मैं भी चढ़ सकूँ, बहुत सही। अब मेरे को कहाँ गया वो केव्ड पंकिन को रखो इधर, एक मिनट में एक ब्लॉक लगा देता हूँ इधर बस। ओके तो एक आयरन गोलम यार स्पॉन हो चुका है एंड अपनी अचीवमेंट भी आ चुकी है यहाँ पर मेरे को। ओके मेरे को ये निकालने पड़ेंगे तब जाके फेंस लगेंगे इधर, बस ये बाहर ना आ जाए। अबे भाई चल ले उधर चल ले बस। अब गाइज अपना काम यहाँ पर हो चुका है, मैं बस इसको ऐसे करके यहाँ पे रखने वाला हूँ बस। गाइज अपना काम यहाँ पे हो गया है और आयरन गोलम अब यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। एंड गाइज मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लगाया ना, तुम लोग सोचोगे इसको लगाया क्यों है, तो देखो जहाँ ये आयरन गोलम है ना इधर ही की साइड वो जो स्लाइम ब्लॉक्स है ना वो सारे के सारे स्पॉन होंगे यार, क्योंकि ये आयरन गोलम है, ये भी एक क्रिएचर बोल सकते हो इसको, जो कि जिंदा इंसान है चलता हुआ ठीक है। तो इसके उससे भाई यहाँ पर स्पॉन होंगे, तो मेरे को अब क्या करना है यहाँ पर ना, मेरे को नीचे गड्ढे करना है मतलब डाउन करना है मतलब गड्ढा करना है यार, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, माइन करना है यहाँ पे ठीक है। मैं यहाँ पे माइन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि वो यहाँ से डायरेक्टली भाई नीचे की साइड जाए, तो इतने में आएगा इस काम चलेगा। मैं एक और यहाँ पे कर देता हूँ, बहुत सही इसको लगा दो इधर बस, इतने से गाइस अपना काम चल जाएगा। तो मेरे को भी अब ऐसे ही नीचे जाना पड़ेगा,
ओके, तो मेरे को यहाँ से ना, जहाँ से मैंने ये गड्ढा किया है, सिमिलरली सिमिलर वे मेरे को यहाँ से करना है गड्ढा। ये रहा भाई यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको तोड़ देता, मैंने एक एक्स्ट्रा तोड़ दिया। बस मेरे को इसी टाइप से यहाँ पर ऐसे ऐसे गड्ढे करने हैं, तीन पूरा नीचे तक मेरे को लेकर जाना, यहीं तक था ना, यहाँ से इधर। हाँ सही है सही है सही सही है, यहाँ तक मेरे को करना है गड्ढा, बहुत सही। और ये था यहाँ तक, बस सिमिलर वे में गाइज मेरे को ऐसी नीचे तक बस लेकर जाना है। और नीचे की साइड अपना गाइज मेन काम होगा, नीचे ही चेस्ट लगेंगी और नीचे ही हुपर वगैरह लगेंगे। मैं यहाँ पे एक एक बंद करता हूँ क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया। ओके हाँ एक्स्ट्रा कर रखा मैंने, बहुत सही। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इतने में गाइज अपना काम चल जाएगा। बाकी मेरे को यहाँ से करना है एक एक दो तीन, एक दो तीन, बस यहाँ तक मेरे को करना है गड्ढा। तो अपन लोग नीचे पहुँच ही गए, लावा की तुम लोग को आवाज़ आ रही होगी क्योंकि भाई लावा मेरे जस्ट नीचे है, मतलब जस्ट उसके यहाँ पर है। ओके तो हम लोग सबसे टॉप, सॉरी नीचे फ्लोर में आ चुके हैं ना। तो ऐसे कुछ ये बन चुका है, मैंने यहाँ से एक और एक्स्ट्रा कर दिया, पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा कैसे हो जा रहा है ये। बस तो यहाँ पर गाइस अपना काम हो चुका है, अब मेन काम है भाई यहाँ से। तो मैं पहले यहाँ की टॉर्चेस हटा देता हूँ। ओके तो पहले गाइस मेरे को यहाँ पर लगाना है मैग्मा ब्लॉक को, इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बहुत सही। बस इतने में गाइस अपना काम चलेगा, मैं एक एक एक्स्ट्रा जानबूझ के लगा देता हूँ ताकि यार दिक्कत ना हो। एंड मेरे को फेंस लगाने ऊपर की साइड ताकि वो यहाँ से स्पॉन ना हो, फेंस मेरे को यहाँ पर भी लगाने एंड मेरे को ऊपर की साइड भी लगाने। इनको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि यार वो लोग बाहर की तरफ निकल ना पाए, यहीं पर दब के ही मर जाए मतलब। ओके बहुत सही। एंड मैंने एक गलती कर दी, मेरे को दोबारा से इसको तोड़ना पड़ेगा। मेरे को ये मैग्मा ब्लॉक जो उसके ऊपर लगाए थे, नीचे मेरे को चेस्ट लगानी ताकि सारा का सारा वो चेस्ट में कलेक्ट हो जाए जो भी स्लाइम बॉल्स आएंगी। इसको मैं तोड़ देता हूँ, पहले तो पहले काम करते इसी को तोड़ देते हैं अपन लोग। बस बन ही गया, बस अपना एकदम इजी सिंपल सा है, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर तुम लोग अपने वर्ल्ड में इसको बनाना चाहो तो भाई बना सकते हो, बस तुम लोग को थोड़ी सी यार माइनिंग बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। तो पहले मैं यहाँ पे चेस्ट रखा लगा देता हूँ, तो चार चेस्ट है मेरे पे, इसको रख लो इधर, बहुत सही चेस्ट। और एक चीज़ और एक चीज़ और कहें, मैं हूपर तो बना कर ही नहीं लाया, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और हूपर को पहले बना के लाता हूँ। यार आयरन तो अपने पास है ही, जल्दी से चलते हैं हूपर बना के लाते हैं। ऑलराइट गाइस तो मैं हूपर बनाकर लेकर आ चुका हूँ। ओके नीचे चल लो भाई जल्दी से। ओके पहुँच चुके गाइस अपन लोग नीचे। तो मैंने कहीं सात हूपर बना लिए, वैसे मेरे को पता है सात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे कम की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैंने बना लिए यार सात हूपर, ठीक है। तो मैं इसको इधर रख देता हूँ एक मिनट को। पहले ना गाइस मेरे को चेस्ट एक काम करता हूँ ना, मैं चेस्ट को इस साइड लगाता हूँ, यानी कि इसके एकदम जस्ट नीचे। तो ये रहा भाई वाला एरिया इसके जस्ट नीचे, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर मैं चेस्ट को लगा देता हूँ ऐसे करके। एक काम करते इस साइड रखते भाई इसको, ताकि अपन लोग भी खोल सके उसको आराम से, बहुत सही। इधर ही है ना, इधर इसके जस्ट नीचे, हाँ यही वाली लोकेशन है वो। ओके एक मैंने इधर लगा दी, एक इधर और एक इधर, चार मैंने चेस्ट लगा दी कि ताकि भाई अपने को बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े। एक इधर इधर, ओके तो एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलो इतने से अपना काम गाइस आराम से चल जाएगा। मेरे को इसके ऊपर लगाने हैं गाइस ये मैग्मा ब्लॉक्स, ठीक है, ताकि अपना काम यहाँ पर चल जाए। मतलब मैं थोड़ा सा साइड में इसको लगा देता हूँ, मैंने गलत लगा दिया, नीचे मेरे को लगाने ही नहीं है। ओके तो यहाँ से ये लोग आएंगे, और एक मिनट रुक जाओ मैं ना देख लेता हूँ थोड़ा सा कि एकदम सही चीज़ हो पाए। बहुत से इसको मेरे को इधर लगाने ऐसे करके, बहुत सही। एंड मेरे को गाइस एक ऊपर ना मैं काम करता हूँ, वहाँ से निकाल करना, मैं उस साइड लगा देता हूँ। एक मिनट रुको, इनको तोड़ लो, आ जाओ, दो आ गए मेरे पे। इनको मैं इस साइड लगा देता हूँ ताकि यार ये मैग्मा ब्लॉक से ढके ना ना। एक इधर, बस अब अपना काम गाइस आराम से हो जाएगा। जो ये वाला एक ऊपर है ना, यही गाइस मेन काम यही आएगा, क्योंकि ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इसके अंदर आ जाएगा। तो बस अपना काम यहाँ से हो चुका, मेरे को बस अब फेंस लगानी है। फेंस को मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ, बहुत सही, इधर और इधर, बस। तो गाइस अपना यहाँ पर बन चुका है फार्म। अब तुम लोग सोचोगे भाई वर्क कैसे करेगा, वैसे अभी स्पॉन नहीं हुए। चलो एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ ना, वेट करता हूँ गाइस मैं यहाँ पे उनका स्पॉन होने का, उसके बाद गाइस मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई ये आखिर वर्क कैसे करेगा। तो स्पॉन होने का अपन लोग वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ऑलराइट गाइस तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है भाई, अभी तक ये लोग स्पॉन नहीं हुए क्या? एक मिनट को मैं चल कर उधर देखता हूँ। एक तो ओ तेरी, एक मिनट को मेरे को उसकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके ओ तेरी गाइस, यहाँ पे स्पॉन होकर मर भी गए ये लोग भाई। मैं उधर तो भाई लैपिस लाजुली को माइन करने के लिए गया था, एंड ऊपर कोई आ रहा है, आ रहा है कोई आ रहा है, ऊपर है तो सही लेकिन ये लोग आ नहीं रहे। तो यहाँ पे गाइस स्पॉन हो चुके हैं, एंड चेस्ट में देखूँ मैं आई कि नहीं आया यार, रुक जाओ। या तो मेरे को गाइस एक काम करना पड़ेगा ना, मेरे को यहाँ पे आई गेस वो करना पड़ेगा, गड्ढा टाइप मेरे को करना पड़ेगा, तब गाइस मेरे को लग रहा है चेस्ट में आएंगे। इतने से वैसे ये लोग मर जाएंगे, बस मेरे को यहाँ पर ना इसको मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड एक मेरे को कनेक्ट यहाँ से नहीं होंगे, ऐसे करके कनेक्ट होंगे ये, बस बहुत सी। अब अगर ये लोग आएंगे तो भाई ये इससे मर जाएंगे लोग, एंड चेस्ट में अपने इकट्ठा हो जाएंगे। मैग्मा ब्लॉक आ गए, मैंने इसको डाला था। ओके एक स्लाइम बॉल यहाँ पे आ गया,
उसको मैं ले लेता हूँ। एक स्लाइम बॉल आ चुका है तो इनको आने देते गाइस। पहले तो आ जाओ भाई, कहाँ पे हो, कहाँ गया पता नहीं। वो ऊपर चलूँ क्या एक बार, मैं ऊपर जाकर आऊँ क्या? एक मिनट, यहाँ पर है वो। चलो चलो चलो, नीचे 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 नीचे, बस बस बस, इस साइड आ जाएगा वो, इस साइड आ जाएगा। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, अच्छा इधर आ जा। आने दो गाइस उसको, एक बार आने दो, देखते मरता है कि नहीं मरता है वो। आ जा। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये मर चुका है। इसका ये जो छोटा सा एक ये प्यारा सा इसका जो आता है ना इसका पीस, तो ये बचा है खाली, ये भी मर जाए बस जल्दी से। उसके बाद गाइस अपन लोग तो जरा करते हैं, मैं काम करता हूँ इसको भी यहाँ लगा देता हूँ। एक से वैसे काम अपना चल जाएगा, बाकी सही से शायद ये वर्क ना करे तो मैं एक काम करूँगा ना, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा थोड़ी बहुत। हट जा हट जा। ओके मर जा भाई, मर जा जल्दी, आ जा मर जा। कितना टाइम लगेगा भाई मरने में, तू भी मर जा जल्दी से। ओके इसके पास ही रहता हूँ मैं। ओके तो गाइस ये भी मर चुका है। ओ तेरी, ये तो आते ही मर गए, वाह आते ही मर गए। तो गाइस देखो ये ना, देखो बन तो गया है, बट यहाँ पे मेरे को ना कुछ और जुगाड़ बनाना पड़ेगा, मतलब जैसे लावा या फिर कुछ और डाल के ना, क्योंकि देखो सीन कुछ ऐसा होगा, ये लोग जो ये आएंगे ना स्लाइम ब्लॉक, तो ये गाइस यहाँ पर ही रह जाएंगे, जो इधर आगे की साइड मरेंगे ना खाली वही मेरी इन्वेंट्री में आएंगे यार। तो मेरे को इसी का कुछ जुगाड़ टाइप बनाना पड़ेगा, बाकी चलो वो अपन लोग बाद में मैं कभी सोचूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आराम से भाई चेस्ट वगैरह में आ जाए। तो चलो गाइस फिर आज के इस वीडियो के आप लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग के वाला एपिसोड पसंद आया होगा, यानी बन तो गया है बट मेरे को बीच बीच में आना पड़ेगा। ठीक है, जब मेरे को चाहिए होगा मैं गाइस यहाँ पर आ जाऊंगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्यूशन पता है तो मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आज के इस वीडियो को आप लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोग के वाला एपिसोड पसंद आया होगा, एंड अगर आप लोग के वाला एपिसोड पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तो आप लोग से मिलता हूं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।